नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल को आप देखना शुरू कर चुके हैं। और हाँ, मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दर्शकों की ओर से भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी। सिंह साहब, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, लेकिन जी आपने गौर किया होगा बतौर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवालन को रिहाई का आदेश दिया था। और उस दिन बार बार मुझे खबरों में कई कीवर्ड दिखाई दे रहे थे, राजीव गांधी की हत्या, पेरारीवालन की रिहाई, कंप्लीट जस्टिस और मां के 31 सालों का संघर्ष। जी मैं सिंह साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इन कीवर्ड को इस तरह भी देखो, कभी हम देख सकते हैं? शौकत अली के परिवार की हत्या, शबनम की रिहाई, कंप्लीट जस्टिस और शबनम के बेटे ताज का दर्द, जी तो या क्या ये कीवर्ड बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका बड़ा जायज सवाल है और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को आपके बताना चाहता हूँ। देखिए, देश के युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई और राजनीतिक हत्या हुई और बहुत ही भर्त्सना पूरी दुनिया में हुई और होना भी चाहिए थी। और जिस तरह से उनका शव नहीं आया बल्कि उनके चिथड़े जी लोथड़े बोरी में भर के जी लाए गए, केवल जी जूतों से जी पहचान की गई, केवल जूतों से जी जी आइडेंटिफाई। जूतों इतना से दुखद, और घड़ी उनकी घड़ी से पहचान की गई थी। और जूतों से, बिल्कुल सोचिए आप कि घड़ी और जूतों से जिस व्यक्ति को, जो देश का राजनीति का श्रृंखलाबद्ध पीढ़ी पर, नवाला जी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ऐसे तीन तीन प्रधानमंत्रियों के बाद इस देश में ऐसा हुआ, बड़ा दुखद था। और जी लेकिन उसके बाद वर्षों ट्रायल चला, वर्षों के बाद फांसी, फांसी के बाद फिर आर्डर्स, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होना, फिर रिव्यू, फिर उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन प्रोसेस, लीगल प्रोसेस भारत के संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार चला। और लास्ट मोमेंट तक, अभी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तब भी ये बात आई कि ऑनरेबल गवर्नर साहब के यहाँ उनकी याचिका लंबित, और जी गवर्नर साहब की याचिका लंबित है और इस लंबित के वजह से सुप्रीम कोर्ट सुनना छोड़ नहीं सकती, सुनेगी उस याचिका को, जी क्योंकि लंबा समय हो गया है। बड़ी जायज बात थी। और कानून के जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल, जी विलंब से मिला हुआ प्यार, न्याय न्याय नहीं होता, न्याय की पराकाष्ठा खोल देता है, न्याय की प्रकृति। जी हत्या भी हुई, ये भी सत्य है, अटल सत्य था, हत्या हुई। राजनीति लिट्टे और सब पूरा वहां पेरम्बदूरपुर और पूरा सब कुछ सब सत्य था, कहीं कुछ झूठ नहीं था, कोई जी ऐसा नहीं था कि कहीं कोई उसमें शामिल किया गया। रोल अलग था, लेकिन जब रोल देखते हैं हत्या के केस में, रोल देखते हैं तो 120B हमें साफ जी तौर पर इस तरह प्रेरित करती है कि सभी का रोल बराबर है, हत्या से संबंधित जो भी है तो सभी का रोल जी बराबर था और उसको मान। कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी रही है, अब धीरे धीरे उसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है माननीय मोदी जी के आने के बाद से, जी और 7 साल पहले तो, 8 साल पहले सत्ता में भी रही, 10 साल सत्ता में रही, उस समय भी, अभी भी। उनकी एक अच्छी बात यह थी, उन्होंने किस केस का बहुत अधिक विरोध या वो चीज नहीं, जी व्यक्तिगत उसका मुद्दा नहीं बनाया सोनिया जी गांधी जी ने कि मेरे पति थे उनकी हत्या हुई, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने कि मेरे पिता थे और इसलिए इसको कोई उस तरह से नहीं, कैंडल मार्च हो या विरोध हो या प्रतिरोध हो या वहां जाएं यहां जाएं, रोएं पीटें आंसू झलकाएं, मीडिया बुलाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐसा करें, मीडिया के सामने रोएं, आज सुनवाई हो रही, कोर्ट में सुनवाई हो रही, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या, ऐसी चीजें, कोई भावनात्मक इमोशनल चीजें नहीं की, अच्छी बात। जी न्यायालय को न्याय करने दिया, न्यायालय को न्यायालय सिस्टम से चलने दिया, केस को मीडिया प्रभावी नहीं बनाया, केस को राजनीति की प्रभावित नहीं बनाया। हत्या तो हुई, हत्या देश के बड़े राजनीतिज्ञ की हुई,
सबने भर्त्सना की, उनकी क्या, उनकी तो पिता थे, उनके तो पति थे सोनिया जी, वो ठीक बात है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा कोई प्रभाव या दबाव नहीं बनाया कि उसको ना सुना। और उसका ही असर रहा कि राजीव गांधी जैसी हत्याकांड के, और राजीव गांधी आज नहीं है, आज उनकी पुण्यतिथि है, आत्मा तो अजर और अमर है, अविनाशी है, वो न मरती है न जलती है न भीगती है न सूखती है न उड़ती है, वो तो अजर अमर अविनाशी, वो सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, आपके चैनल को भी देख रहे होंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि पर के ठीक 3 दिन पहले रिहाई हुई, ये निश्चित तौर पे इस पे भी कुछ राजनीति का असर रहा। और रिहाई का पूरे जोर शोर से स्वागत, उसका पूरा मीडिया, रिहाई को मीडिया ट्रायल किया गया, रिहाई होने के बाद में ट्रायल मीडिया नहीं हुआ, जजमेंट के बाद उस पर मीडिया शुरू हुई, और उस पर बाकायदा जाना, एक अपराधी को जो अपराधी रहा हो, जिसकी सजा हुई हो, फांसी और उम्र कैद जैसी हो, उसको किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रिसीव करें, उसका स्वागत करें, ये बिना राजनीति के संभव नहीं है, ये राजनीति में ही हो सकता है। राजनीति इस तरीके हो सकता है, गिरा या बढ़ा, या वोट बैंक की राजनीति, या क्षेत्रवाद या भाषावाद, इस केस में क्षेत्रवाद भाषावाद का बड़ा प्रभाव रहा, साउथ की भाषा, साउथ का क्षेत्रवाद, इसलिए रहा, इसलिए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हत्या के संबंध में लोगों को रिसीव करे, स्वागत करे, माला गुलदस्ते करे, और उसे कंप्लीट जस्टिस कहा जाए, तो कंप्लीट जस्टिस और भी लोग होना चाहिए, हुआ है अच्छी बात, कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता जिसकी हत्या हुई हो, जिसका जीवन गया हो, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण है कि क्या ये कंप्लीट जस्टिस की परिभाषा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित की, बड़ी खुशी की बात है, हमारे देश के और मुलजिम जो जस्टिस के इंतजार में हैं, जिनके साथ भी जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल हो रहा है, उनके साथ भी होगा, उनके बारे में भी होगा। हाँ, वो भाषा से नहीं है प्रभावित, उनका मामला किसी भाषा का नहीं है, उनका मामला किसी क्षेत्र का नहीं है, उनका मामला किसी संप्रदाय का नहीं है, वो किसी संप्रदाय के नाम पर जेल में नहीं है, वो संप्रदाय के नाम पर रोटियां नहीं खा रहे हैं, संप्रदाय के नाम पर अपनी रिहाई की मांग नहीं कर रहे हैं, वो महिला और पुरुष के नाम पर भी रिहाई की मांग नहीं कर रहे हैं कि हम महिला हैं या पुरुष हैं या ऐसे हैं या बच्चे हैं या मेरे, वो भी ग्राउंड नहीं ले रहे, वो किसी क्षेत्र की भी ग्राउंड नहीं ले रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के, हम यूपी के हैं, राजस्थान के, हम यहाँ के, ग्राउंड नहीं ले रहे। इसका मतलब वो ज्यादा पवित्र है, मुलजिम है, एक्यूज है, कन्विक्ट है, दोषी है, कोर्ट ने दोषी दिया, हम उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहते कि वो निर्दोष हो गए, जबकि राजीव गांधी के हत्या के जो लोग छूटे उन्हें ऐसे मतलब उनको प्रायोजित किया गया जैसे निर्दोष साबित हुए हों, उम्र लगी जी, पूरी उम्र जीवन की व्यक्ति की बीती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि निर्दोष को स्वागत किया जाए, ये इनके मामले में भी ऐसा, और मामलों में भी। मैं तो कहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये कंप्लीट जस्टिस का फार्मूला, एक नया वर्ड आया है कंप्लीट जस्टिस, हमने अपनी सेक्शन का अंडर सेक्शन आर्टिकल का प्रयोग किया, कोर्ट ने कोट किया कि हम इस आर्टिकल के तहत ऑनरेबल महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ लंबित याचिका को भी बाईपास कर सकते हैं, ये हमारे जैसे कानून के विद्यार्थी, मैं तो अपने को कानून का विद्यार्थी कहता हूं और कानून का विद्यार्थी सबको होना चाहिए, कानून के विद्यार्थी के नाते मेरे लिए भी एक अच्छा सबक है कि ये भी ऐसा संभव है, ऐसा भी हो सकता है, हमने भी कई कानून की चीजें गढ़ी हैं, काफी मेहनत की है इन मामलों में, काफी मेहनत का रंग लाई है, और मेहनत रंग दिखता है, मेहनत रंग लाती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन विषय यही समझने का है कि यही फार्मूला क्या दूसरों पर भी लागू होना की आशा हम करें, हम इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय के मामले में क्या अन्य केसों में भी और करना चाहिए, ये तो खबर है, ये तो न्यूज चैनल की बात है, न्यूज़पेपर की बात है, सभी कैदियों को पता है कि राजीव गांधी जैसी हत्या के आरोपियों को रिहाई मिली है, उनके में भी आशा जगनी चाहिए, वो क्षेत्रवाद के नाम पे नहीं है, वो भाषा तमिल या लिट्टे के नाम पे नहीं है, वो साउथ की राजनीति के केंद्र नहीं है, लेकिन इस देश के मतदाता है वो,
इस देश के नागरिक वो कैदी भी हैं जो रिहाई की आशा लगाए बैठे हैं, जिन्हें रिहाई की आशा है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी आशा पर भी खरा उतरेगा, या सिर्फ क्योंकि आज कांग्रेस धाराशाही हो रही है और उसके प्रणेता थे राजीव गांधी, केवल इसलिए राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा गया? क्या साउथ की राजनीति की वोट बैंक साधी जा रही है? क्या साउथ के लिए चुनाव की तैयारियां की जा रही? ऐसा अगर है तो दुखद है, अगर फैसला कंप्लीट जस्टिस है तो बड़ा सुखद है और देश के सभी जेलों के सभी कैदियों के लिए बड़ी सुखद खबर। मैं अक्सर जो बात करती हूँ आपसे, जो मैंने कीवर्ड यूज करे कंप्लीट जस्टिस और पेरिवेनल की रिहाई और उसकी माँ का दर्द, तो यहाँ मैं आपसे ये चाहती हूँ कि शबनम की रिहाई, कंप्लीट जस्टिस और शबनम के बेटे का दर्द, क्या कभी ये कीवर्ड भी देखने को आएंगे आने वाले समय में? अब इसको अगर थोड़ा और मैं सीधा सवाल करूं तो क्या मतलब शबनम के साथ भी ऐसा हो सकता है? जी नहीं जी। आप आशा विश्वास रखिए, आशा ही जीवन है, आशा जिंदगी जीने का एक अच्छा ढंग है, और जब आप इस आशा के साथ चलेंगे, आशा के साथ करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम भी आशा रखते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शबनम भी हमारे देश की नागरिक है जी। हमारे उत्तर प्रदेश की नागरिक है, पढ़ी लिखी महिला है, होनहार लड़की है, शिक्षा के क्षेत्र में थी, शिक्षा से जुड़ी हुई है, शिक्षा की चरम सीमा पर रही है जी, मुस्लिम धर्म से है, एक माँ की, एक बच्चे की माँ है, माँ के दर्द, माँ के प्यार को जानती है जी। इतने वर्षों से जेल में है, राजनीति की दुराग्रह उसके साथ भी हुआ, जब उसका केस हुआ उस समय की तत्कालीन बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी जी, राजनीति उसके केस में भी हुई, फिर ट्रायल उसके केस में नहीं हुआ, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, जांच पे राजनीतिक दबाव था, मीडिया ट्रायल हुआ, प्रेग्नेंट थी, महिला की गर्भवती अवस्था को दरकिनार किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को समझाओ नारे को थोड़ा सा किनारे किया गया, अपराधी उसे माना गया, अपराध प्रवृत्ति की बात की गई, जघन्य अपराध की बात की गई उसके खिलाफ, जो उसने मांगी सीबीआई जांच की मांग नहीं पूरी की गई जी। क्या इसलिए? क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं थी, उसके साथ राजनीतिक लोग नहीं थे, उसने किसी अपने उत्तर प्रदेश बाद की बात नहीं की, उसने मुस्लिम धर्म की बात नहीं की, वो भी कर सकती थी। अच्छा, उसने एक और इंटरेस्टिंग इसमें पक्ष ये है कि पैरा रिवेलियन की जो मर्सी पिटीशन है वो 11 साल तक राज्यपाल के पास पेंडिंग रहती है, और उसकी जो फांसी है, फांसी की सजा निर्धारित हो जाती है, डेट उसकी जो है फिक्स हो जाती है, और उसकी माँ को ये कह दिया जाता है कि आप फला डेट को इसकी बॉडी ले जाइएगा, और इसके बाद अचानक से फिर उसमें राजनीति शुरू हो जाती है जी। इसमें आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वैसा सा ही एक केस है, अभी शबनम की भी जो मसी पिटीशन है वो राज्यपाल के पास पेंडिंग है, हालांकि उन्होंने इस पे अगली कार्रवाई का नोट लगा करके इसे आगे भेज दिया है, लेकिन कामोबेश स्थितियां जो है वैसी सी ही हैं। इस पे आप क्या कहते हैं, कौन सा बिल्कुल वही है, बिल्कुल स्थितियां वही, लेकिन स्थितियों में फर्क। शबनम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, शबनम के साथ नॉर्थ इंडिया का थप्पा नहीं है कि शबनम नॉर्थ इंडियन है इसलिए छोड़ी जानी चाहिए, राजीव गांधी के हत्यारे इसलिए छोड़े जाने चाहिए तो साउथ इंडियन है, नॉर्थ और साउथ का ध्रुवीकरण शबनम के साथ नहीं, वो तो पुरुष था, शबनम तो महिला है, शबनम तो उस समय गर्भावस्था में, शबनम तो एक बच्चे की मां है, राजीव गांधी के हत्यारे की मां के लिए
सद्भावना है लोगों को कि एक माँ को कंप्लीट जस्टिस मिला, एक माँ को न्याय मिला, माँ ने लड़ाई लड़ी है, माँ ने लड़ाई जीती है। शबनम तो खुद एक माँ है, शबनम तो का ताज खुद असहाय हो रहा है, नाम रह जाए उसका ताज, वो किसी सर का ताज कब बनेगा नहीं बनेगा भविष्य बताएगा जी। वो अभी अनाथ की तरह जी रहा है, उसकी जिंदगी का सहारा कोई नहीं है जी। वो लोगों की रिश्तेदारों की दयाओं पे निर्भर है कि लोग उसे रख लें, कोई खाना दे रहा है तो कोई कपड़े दे दे, तो कोई पढ़ा दे, कोई पढ़ा। उसके लिए सरकार ने भी कोई अनुदान नहीं दिया है जी जी। उसको भी एक अपराधी माँ का बेटा मान लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है जी। बच्चे को अपराधी प्रवृत्ति की माँ की वजह से शबनम की गलती मान सकता हूं, लेकिन उस बच्चे के लिए उस राज्य ने क्या किया? राजीव गांधी के हत्यारों के बचाने के लिए राजनीति हुई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अभिवादन करने पहुंचे, क्या कोई प्रदेश का राजनीतिज्ञ, देश का राजनीतिज्ञ, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड का व्यक्ति, बचपन बचाओ आंदोलन का प्रणेता, पालकों के लिए काम करने वाली कोई संस्था एनजीओ, बच्चों के लिए बड़े बड़े फंड इकट्ठे करने वाले लोग, बच्चों के नाम पर न्यूज चैनल पर बहुत प्रोग्राम देने वाले लोग, बच्चों के लिए बड़े काम करने वाले, अच्छी बात है करना चाहिए, क्या उनमें से कोई शबनम के बच्चे ताज से कभी मिलने गया, कभी उसके सिर पर हाथ फेरा कि तू तो हमारे राज्य का बालक है, तू तो हमारे नॉर्थ इंडिया का बालक है, क्या कभी बहन मायावती जी अपने शासन काल में उसको बुला के दुलार किया? क्या उसके बाद तत्कालीन प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने उसको प्यार किया? क्या उसके बाद माननीय योगी जी ने उस बच्चे को कभी दुलार करने का सोचा? नहीं, एब्सोल्युटली नो, नॉट, क्योंकि वो क्षेत्रवाद का नारा नहीं लेके चल रहा है, वो धर्म का नारा लेके नहीं चल रहा है, वो अपने बच्चे की बात भी नहीं कर रहा, सबको पता है बच्चा है, वो बालक है, उसके बारे में कोई संगठन नहीं जाएगा क्योंकि वो शबनम का बच्चा है, शबनम का बालक है। विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है और विषय तो अब यहां तक पहुंच रहा है कि डीएनए टेस्ट वाली बात भी पहुंच रही है। इसका मतलब पूरा केस गलत था, पूरा केस झूठ था, जब शबनम सलीम और उसमें और उसके ताज के डीएनए की बात आने लगी है तो इसका मतलब सारे आरोप झूठे थे, मनगढ़ंत थे और मामला प्रॉपर्टी का था, लस्टा प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी बीच में थी, प्रॉपर्टी को साइड में कर दिया गया, करने वाले कोई और थे, मामला यहां लाया गया, यहां फंसाया गया, अफेयर का नाम दिया गया, लव अफेयर के नाम पे इनको दोषी बनाया गया, ऊपर तक इनकी याचिकाएं रिजेक्ट हुई, अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट की, महामहिम देश के राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट की और उन्हें मौत के कगार पर ला दिया, लस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के लिए हर वर्ष हर महीने हत्याएं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अभी भी वाराणसी में हुआ, अभी भी इलाहाबाद में हुआ, कई सभी जगह लगभग 4 हत्याएं 5 हत्याएं। प्रॉपर्टी इस तरह की चीज है, जर जमीन जोरू ये 3 मुद्दे बने हैं जो कि हत्या को हर समय आमंत्रण देते रहते हैं और इस सब बात को अनवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जानती है अच्छी तरह से। तो जहां तक ये बात है, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, पैरानिवेलन को जो फायदा मिला है 142 आर्टिकल का, तो देश में और भी कई ऐसे अपराधी हैं, क्या शबनम को इसका फायदा मिल सकता है, क्या उन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, कोई भी कोर्ट होती है, नेवल कोर्ट, उसकी अपनी सबकी इनहेरेंट पावर होती है, सारे पावर में रहते हैं सब, जेल की अपनी पावर है, अनेवल मेट्रोपोलिटन लंडन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अपनी पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अपनी पावर होती है, अनेवल हाई कोर्ट, अनेवल सुप्रीम कोर्ट, सबकी अपनी अपनी पावर होती है और सबको हमारे संविधान की खूबसूरती है, हमारा संविधान इतना भाग्य विधाता है कि सबके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है,
सब अपने हिसाब से उसको चलाने कोशिश करने के अधिकारी हैं और उसको चला देते हैं। बस अंदाजे बयां बदलता है, ढंग बदलता है, कोई उसको जब खारिज करता है किसी अपील को या किसी पिटीशन को तो कहता नहीं साहब आधा गिलास खाली था पानी, आधा गिलास खाली था, और जब उसे करना होता है तो कहते नहीं आधा गिलास भरा था। जब हमें निगेटिविटी लानी है मानवेंद्र जी के विचारों में, बहन के बारे में मनेंद्र जी के, कि मनेंद्र जी के यहाँ गए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आधा गिलास दूध दे दिया, सिर्फ आधा गिलास दूध उन्होंने मुझे पिला दिया। अब मुझे तारीफ करनी है अपनी मनेंद्र बहन जी की, अरे मनेंद्र बहन जी के यहाँ गए उन्होंने आधा गिलास भर के दूध पिलाया, आधा गिलास भर के दूध पिलाया। दूध उतना ही है, संविधान 143 की अनुच्छेद वही है, उसको किस तरह से कब किसको कहां प्रयोग करना है तो उसके दिल पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, उसकी मन के भाव पर निर्भर करता है। भारत का संविधान तो खुली किताब है, उसमें सब कुछ है। ये स्थिति 143 की भी है, उसे किस तरह से कब यूज किया जाए, कब ना यूज किया जाए, कब उसको कोड ना किया जाए, कब किसकी बेल देने के लिए यूज कर लिया जाए, कब कंप्लीट जस्टिस कह दिया जाए, कब रिकॉर्ड कह दिया जाए, कब आई एम नॉट सेटिस्फाई कह दिया जाए, और कब कह दिया जाए आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस केस पिटीशन अलाउड। ये तो सब हमारे देश। आखिरी सवाल है आपसे कि फिर ऐसे में कौन आवाज उठाएगा उन लोगों के लिए, शबनम के लिए? नहीं, हम लोग हैं अभी, ऐसी बात नहीं है। इतिहास हमारी लिखता है, हम इतिहास में हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, वकालत कर रहा हूँ यहाँ, और निश्चित तौर पर ऐसे हर व्यक्ति की आवाज समय पर उठाई जाएगी जो इस बात से पीड़ित है, और इस आशा और विश्वास के साथ उठाई जाएगी कि 143 आर्टिकल 14 आर्टिकल, 13 आर्टिकल, जीवन जीने का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार, जिंदगी हंसने गाने मुस्कराने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हमें भारत के संविधान ने दिए हैं, हम उनकी रक्षा करें, और इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों को ये आश्वासन दे कि राजीव गांधी के हत्यारों के साथ ही नहीं है देश का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हर उस गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, बेसहारा को भी सुनने के लिए है, जिससे कि उनकी आशा और विश्वास हमारे देश के संविधान, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के माननीय हाई कोर्ट्स, उन सब पर बने टिके, क्योंकि उनके लिए भी गौरव का विषय है, उनके लिए भी हर्ष का विषय है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जो देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान पूरी एक किताब नहीं है, महज कुछ पन्नों का गट्ठर नहीं है। भारत का संविधान इस देश के लगभग 150 करोड़ लोगों की आत्मा है। लगभग 150 करोड़ लोग उस भारत के संविधान को साथ लेके जीते हैं, साथ लेके आश्वासित रहते हैं। हर कानून का छात्र उठाना, हर कानून का छात्र, हर कानून का विषय का व्यक्ति, हर न्यायाधीश, हर वकील इस विश्वास और आशा के साथ रहता है कि भारत के संविधान की गरिमा ऐसे बनी, भारत के संविधान की गरिमा और ये सब चीज बनी रहे, और ये इतनी मोटी जो किताब है जो हमारे सब जगह रहती है, हम सभी इसको गर्व पढ़ते हैं और इसके साथ एक माथा टेकते हैं। इसके साथ हमारा तो यही बड़ा धर्म ग्रंथ है, हमारी तो यही बड़ी चीज है, और ये सब चीज भी हमारे लिए रहे तो ये धर्म ग्रंथ के रूप में हम कुरान की बात नहीं कर रहे, हम गुरु ग्रंथ साहब की बात नहीं कर रहे, हम गीता उपनिषद और पुराण और भागवत की बात नहीं कर रहे, हम रामायण की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी है, जिसके माध्यम से गीता भी सुरक्षित है, कुरान भी सुरक्षित है, रामायण भी सुरक्षित है, भागवत गीता भी सुरक्षित है, और गुरु ग्रंथ साहब भी सुरक्षित है, और हमारे इस देश का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अमीर, गरीब, राजा, रंग, चपरासी, चौकीदार, राजा, सभी कुछ उसमें सब समाहित है,
और सब उसके साथ जीते हैं, सब उसके साथ हौसले के साथ बढ़ते हैं और उसके साथ रहते हैं। ये चीज आवश्यक है और सभी के लिए होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर आप विश्वास रखिए, चाहे शबनम सलीम का केस हो, चाहे महाराष्ट्र के और हो, चाहे राजस्थान के और हो, चाहे मध्य प्रदेश के जेलों में लोग जो सड़ रहे हैं, कंप्लीट जस्टिस वर्ड अगर निकला है तो कंप्लीट जस्टिस वर्ड उनके लिए भी होगा, उनके लिए भी प्रयोग किया जाएगा, वो भी खुली सांस में सांस लेंगे। जब राजीव गांधी की हत्यारे खुली हवा में सांस ले सकते हैं, हत्या बिल्कुल गलत है, हत्या पूरा जघन्य अपराध है, चींटी की भी हत्या गलत है, किसी जीव जंतु की भी हत्या गलत है। मैं तो महात्मा गांधी के पूरे अहिंसावादी सिद्धांत का बहुत बड़ा उपासक हूं, लेकिन फिर भी कंप्लीट जस्टिस सबको मिलना चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। और जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय, न्याय अपनी प्रकृति को खो देता है, ये भी ध्यान रखना। बस एक चीज और बता दीजिए, जो दर्शक है वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के लिए आप मींस एडवोकेट एपी सिंह साहब क्या करेंगे अपने लेवल पे? नहीं देखिए, इतनी तो मेरे पास फुर्सत खैर नहीं है, व्यस्तता रहती है जीवन में, व्यस्तता तो है ही है, लेकिन जो कोई आएगा मेरे दरवाजे पे, मेरे कार्यालय पे, मेरे ऑफिस पे जो आता है, मैं उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह भगवान खुदा गॉड वाहेगुरु रब का रूप देखता हूँ कि कहीं उसमें से ही आएगा, क्योंकि सीधे भगवान अब नारद का तो जमाना रहा नहीं जो खड़ताल बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए आ जाएं और हम समझ जाएं ये भगवान के ऊपर से आए हैं। मेरा ये भाव है, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, मुझे शिक्षा दी है, ऐसी नैतिक शिक्षा दी है कि जो भी आपके यहाँ आए, आपके पास आए, उसमें से कहीं कोने में वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो जघन्य अपराधी हो, वो बहुत बड़ा लुटेरा बदमाश क्रिमिनल हत्यारा सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कोने में उस भगवान का भी देखना दृश्य जो उसे जीवित रखे हुए है, जो उसको चला रहा है, जो उसको बुला रहा है, जो उसको दिखा रहा है, उस भाव के साथ मैं उसमें से उस व्यक्ति को भी देखता हूँ और उस व्यक्ति के साथ उस भगवान के रूप को भी अंदर से देखता हूँ। और कई बार ऐसा होता है भगवान की मेरे से बात हो जाती है, जो उसके अंदर का रूप है उससे मेरी टेलीपैथी मिल जाती है और मैं उसके लिए संघर्ष करता हूं। और मेरा प्रयास होगा जो भी आता है, जो भी आएगा, कोई भी आए, मैं उसके लिए संघर्ष करता हूं। सिंह साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका अपने शॉर्ट नोटिस पे शो में आना स्वीकार किया, और दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूं। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपना ख्याल रखें और हमारे शो को देखते रहें। जो दर्शक नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।